पुलिस मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, कहीं फिर ना हम उठा ले हथियार। यह बातें पूर्व नक्सली ने चतरा में कही। यह मामला है चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के कनवात्री गांव का, जहां एक नाबालिग युवती के साथ चार युवकों ने उसकी अस्मत लूटने की प्रयास की। हालांकि लड़की के द्वारा हल्ला मचाने पर चारों युवक ग्रामीण को पिस्तौल का भय दिखाते हुए भागने में सफल रहे। भागते भागते एक आरोपी का मोबाइल गिर गया, जिसे ग्रामीणों ने जब्त कर लिया। ज्ञात हो कि युवती पूर्व नक्सली कमांडर की पुत्री है। इस नक्सली कमांडर पर राज्य सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। कमांडर ने करीब 10 वर्ष पूर्व पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पूर्व नक्सली कमांडर ने रोते हुए कहा कि लोग हमें फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अपने ही घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। हम कुछ तो नाम है तो नारायण जातो। इसके पहले हम आत्मसमर्पण किए थे सरकार के थ्रू, और हम लोग कहा रहने लायक भी नहीं है। हम किसी तरह भाग नट के जीवन बिता रहे हैं। हमारा कोई ऐसा हंसता भी जगह नहीं है। अब हमारा बाल बच्चा का सरकार पूरा जिम्मा लिया था, खुरपुच पूरा की पढ़ाई से लिखाई तक ला, पूरा भरण पोषण शादी शुदा तक ला, बाकी हमारा बाल बच्चे को उतना नहीं हो पाया थे। हाँ, इसको पहले हम थे। और सर, ऐसी ऐसी घटना से हम लोग में नक्सलाइट बनता है। अगर माँ बहन की इज्जत नहीं बचता है तो कहाँ लोग आखिर जान बचाएगा, इज्जत कैसे बचेगा देहात में। आखिर हम लोग आज सरकार पर पुलिस के भरोसा पर हम लोग जी रहे हैं, फिर भी तो उस तरह का हम लोग का मदद नहीं किया जा रहा है, फिर कैसे हम लोग जी पाते बताइए। हाँ, आखिर हम लोग के यहाँ का माँ बहन का और हम लोग का जोर बेटी की इज्जत नहीं बचता, आखिर अंतिम क्या करेंगे? मरता क्या न करता, आखिर फिर बर्बाद हम लोग को बनना मुश्किल पड़ जाता है। पीड़ित युवती ने बताया कि मैं शाम के करीब 7 बजे घर के पीछे गाय बांधने गई थी। इसी दरमियान कुछ युवक ने हमको पकड़ लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण दौड़े तो ये लोग भाग खड़े हुए। इस पूरे मामले में ग्रामीण ने बताया कि हो हल्ला सुनकर हम लोग दौड़े। उनके हाथ में लाठी व टॉर्च था। जैसे ही नजदीक पहुंचकर टॉर्च को जलाया, चारों युवक पहचान में आ गए, परंतु वे लोग पिस्टल दिखाकर हमें डरा कर भाग निकले। हल्ला हुआ तभी हम बता सकते हैं। हाँ, क्या हुआ था? हल्ला हुआ तो चिल्लाए ना बच्चे, आने से घर भी निकले तो चिल्लाए, तो हम दौड़े वहाँ से टॉर्च ले ली। टॉर्च मारे देखेंगे 4 आदमी लोग आए, तो हम लाठी ले ली दौड़े दौड़े, तो दिखा दिया सामान पीछे हम बैक करके। बाकी चार क्या सामान दिखा दिया? छोटा सामान रहता है ना, एक मैंने हथियार हथियार दिखा दिया। हाँ, पीछे हम बैक कर गए, बाकी हम चीन लिए टॉर्च, हम चीन लिए 4 आदमी लोग है। हाँ, चीन लिए, चारों भाग गया। हाँ, चारों भाग गया। रहने वाला दूठ है बड़ोरा खनवा तारीख है, एक गो भोला साहब संजय यादव, और दूठ है बिहार के रहने वाला हेरान गाँव थलई थाना पड़ता है, कुर्मी जात के हैं। चारों को पहचान लिए? हाँ, चारों को हम पहचान लिए। बाकी थाना देखा सब साठे ने, हमको हिम्मत नहीं पड़ा, हमको मर देगा, हमको बुढ़ापा आदमी मर देगा। हाँ, पीछे बैक कर देंगे, पहचान लिए टॉर्च मारा ना पूरा, तो दिखा दिया हमने सामान। लड़की के क्या लगे आप? लगे हम लोग गांव घर के हैं। हाँ, हमारे घर यही सब दुकान है हमारा। अच्छा, ठीक। हाँ, ये सामने आए ना, हमारा दुकान है हमारा। पुलिस निरीक्षक रंजीत रोशन ने कहा कि नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जल्द ही दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़लेंस के लिए चतरा से संजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एक नाबालिग बच्ची का कंप्लेन प्राप्त हुआ है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। गांव के ही 4 लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा इस संबंध में, और आगे कार्रवाई की जाए। मामला छेड़खानी से संबंधित है, बच्ची को अकेले से पाकर के लोग उसके साथ छेड़खानी किए हैं, और उसी में हल्ला गुल्ला सुन करके वो लोग फिर भाग गए हैं। तो इसकी पूरी तरह से हम लोग जांच कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ हम लोग जल्दी वारंट कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस केस में भी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। न्यूज़लेंस चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें
और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है